कैंपियरगंज पुलिस ने 25,000 के इनामी शातिर अपराधी लकड़ी तस्कर को अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान कैंपियरगंज के लक्ष्मीपुर का रहने वाले जीतन यादव के रूप में हुई है। इसके ऊपर करीब 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये कैंपियरगंज थाने का मजीरिया हिस्ट्री शीटर भी है। कैंपियरगंज थाना परिसर में घटना का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक व क्षेत्र अधिकारी कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोतरे ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी असलहे के बल पर जंगलों से चोरी से लकड़ी काट कर बेचा करता था। इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये लकड़ी तस्कर गैंग का लीडर है और इसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए SSP रोहन प्रमोद बोतरे ने बताया, आज दिनांक 24 अप्रैल 2019 को जीतन यादव नाम के एक अपराधी को कैंपियरगंज पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। ये 25,000 का इनामी था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। गैंगस्टर के मुकदमा भी इसके ऊपर थे और कुल मिला के 10 से ज़्यादा मुकदमे इस अपराधी के ऊपर कैंपियरगंज थाने में दर्ज थे। इनका मेन जो आपराधिक प्रवृत्ति है ये वो है कि ये फॉरेस्ट एरिया के जो पेड़ होते हैं उनको काटते थे अवैध तरीके से और उनको बेचते थे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर इन एरियाज़ में। तो आज इसको काफ़ी बड़ी सफलता कैंपियरगंज पुलिस को आज हासिल हुई है। तो लकड़ी तस्कर थे तो उनका विरोध था क्या? बिल्कुल, गैंगस्टर का मुकदमा इसमें पंजीकृत है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये अभी गिरफ्तार हुआ है। कुछ और लोग बचे हुए हैं? इसमें कुछ और लोग बचे हुए हैं, उनकी तलाश अभी जारी है।